सरकारी तंत्र का दुरुपयोग की भी बात वो करते हैं, तो कुछ अच्छा करने के लिए अगर कोई दुरुपयोग होता है तो वो बुरा नहीं है। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगा तो उससे डेवलपमेंट ज्यादा होगी। मेरे को तो लग रहा है मोदी ही आएंगे। मोदी ऑल दी वे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवि कालीरमन। हमारे खास कार्यक्रम कौन बनेगा पीएम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम अंबाला लोकसभा क्षेत्र के पंचकुला शहर में मौजूद हैं। पंचकुला के लोगों से उनकी राय जानेंगे, किस प्रकार से उनकी राय है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितना पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को वो कितना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो विपक्ष किस प्रकार से तमाम जो नाकामियां हैं सत्ता की, सरकार की, उनको किस प्रकार से जनता के सामने लेकर आता है, उन तमाम मुद्दों पर पंचकुला वासियों से बातचीत हम करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, पंचकुला के लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं 2024 में कौन बनेगा पीएम। कौन बनेगा प्रधानमंत्री कार्यक्रम में हरियाणा न्यूज की टीम सेक्टर 20 पंचकुला पहुंची है। अलग अलग इलाकों की अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ तमाम लोगों से कौन बनेगा प्रधानमंत्री इस पर राय लेते हुए नजर आएंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, प्रधानमंत्री के हिसाब से अगर बात की जाए तो कौन सा बेहतर प्रधानमंत्री आपको लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप लोग जाना पसंद करेंगे या फिर जो विपक्ष में तमाम जो लीडर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए आम जनता को? देखो, टाइम तो बदलाव का है, एक बार तो बदलाव होना चाहिए। जब कोई भी आदमी लॉन्ग टर्म में चला जाता है तो वो उसके जो बेनिफिट हैं वो ज्यादा नहीं होते, वो घमंड की आ जाता है। जैसे कि अब आप देख ही रहे हैं, ईडी का प्रचार हो रहा है, सीबीआई का हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है दूसरे के ऊपर, ये ठीक नहीं है। कुछ काम अच्छे भी हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि अच्छे काम नहीं हुए, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, तो कुछ बदलाव होना चाहिए। ना तो महंगाई काबू में आ रही है, ना शिक्षा की प्रणाली बनी हुई है, जो बच्चे हैं यहाँ से छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ फैसिलिटी नहीं है, उस वजह से जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई जाती है, धार्मिक चीज़ें दिखा के हमें मोल्ड करने की कोशिश की जाती है कि धार्मिक चीज़ को देख के आप वोट डालो। राम मंदिर की बात आप कर रहे हैं, राम मंदिर जो है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, पूरे देश ने इस कार्यक्रम को उत्सव की तरह मनाया। आप धार्मिक चीज़ें दिखाने की बात करते हैं, दिखाकर वोट लेने की राजनीति है आपके हिसाब से? हाँ, ये दिखा के वोट लेने की राजनीति है। धार्मिक, देखो जो राम मंदिर है, राम को तो सब मानते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति है हिंदुस्तान के अंदर जो राम को ना माने? चाहे हम सिख धर्म ले लें, चाहे जैन धर्म ले लें, चाहे दूसरे धर्म ले लें, सबके अंदर राम का नाम आता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी राम की चर्चा, पूरी चर्चा है। खाली राम मंदिर दिखाकर और दूसरे कामों को पीछे करके, या सिक्योरिटी, कंट्री की सिक्योरिटी दिखाते हैं, हम कंट्री की सिक्योरिटी कर रहे हैं। सिक्योरिटी तो पहले जो नेता थे वो भी कर रहे थे, देश को तो हर आदमी बचाना चाहता है, देश के साथ हर एक आदमी का लगाव है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष ने सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कुछ ऐसा काम किया है जो आप सही मानते हैं या फिर जो होना चाहिए जो नहीं हो पाया? हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह पर एक ही बात कहते हैं कि आज का जो भारत है वो युवा भारत है जी। और उसको युवा भारत कहते कहते युवा भी बेकार बैठा हुआ है और सीनियर सिटीजन की सारी फैसिलिटी खींच ली, जो गाड़ियों में, ट्रेन में, जो जहाज में, या जहां भी फैसिलिटी मिलती थी सीनियर सिटीजन की, वो सब सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी खत्म हो चुकी है। चाहे रेलवे में मिलती थी, चाहे एरोप्लेन में मिलती थी, हमें तो ये चाहिए अगर देश का काम करना है तो सबका इक्वल काम होना चाहिए, उसमें सीनियर सिटीजन का भी, यंग जनरेशन का भी, दोनों का बराबर काम होना चाहिए। तमाम लोग और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कह रहे हैं कि लगातार धर्म के नाम पर वोट लेने की राजनीति की जा रही है, देश की सुरक्षा की बात को लेकर उठा करके वोट लेने की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को? देखो, धर्म की राजनीति सारी पार्टियां करती हैं जी। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में ये कहा जाता कि वो हिंदू धर्म, राम का नाम लेते हैं, बाकी पार्टियां भी एक कहते तो सेक्युलर थे लेकिन एक खास मजहब के प्रति उनका झुकाव ज्यादा होता था। तो बाकी बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी ये तो है नहीं कि अब हुई है, बेरोजगारी पहले भी थी, पहले भी बच्चे बाहर जाते थे, आज भी जा रहे हैं। आज कुछ ट्रेंड चल पड़ा, अब जैसे हमारे पंजाब में है, जिसको मर्जी थे, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको कनाडा जाना, तो पंजाब का दूसरा नाम कनाडा हो गया।
तो ये बात कहना कि बाकी बेरोजगारी शुरू से चली आ रही है, मैं सोचता हूँ कि जिसमें कैलिबर है उसके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपने स्टार्टअप भी करो। यहाँ नौकरी मानी जाती है सरकारी जॉब, मेरे हिसाब से आज प्राइवेट सेक्टर सरकारी गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा दे रहा हो, जो अच्छे कैलिबर के बच्चे हैं वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में लोग इसलिए जाना चाहते हैं कि अपना शाम को दिहाड़ी बना के आए, तनख्वाह तो मिल ही रही है, गए नहीं गए एक बराबर है। तो मेरे हिसाब से ठीक है, बदलाव होना चाहिए, अगर दूसरी पार्टी कोई आती खिचड़ी नहीं चाहिए, खिचड़ी नहीं। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस है, तमाम लीडर्स हैं, किसको नहीं, ऐसा है ना, बात तो वही है, अब इंडिया अलायंस है जी। कल को वो एक दूसरे का कपड़े फाड़ेंगे, जब हमारे घर में यूनिटी नहीं होगी तो हमारे पड़ोसी उसका फायदा उठाएंगे। जो भी पार्टी आए फुल मेजॉरिटी के साथ आए, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, इनकी बात भी ठीक है कि एक पार्टी लगातार चलती रहे तो वो थोड़ा अहंकार समझ लो कह लो हो जाता है। चेंज जरूरी है, लेकिन जरूरी चेंज अगर होता है तो अलायंस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए फुल मेजॉरिटी, जैसे बीजेपी के साथ थी ऐसी मेजॉरिटी में आए, चाहे सरकार कोई भी आए फुल मेजॉरिटी के साथ आए, खिचड़ी ना बने ये कहना है। आप कैसे देखते हैं सर, किस प्रकार से सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, विपक्ष की भूमिका को आप पहले सबसे मैं जानना चाहूंगा किस प्रकार से देखते हैं? विपक्ष की भूमिका को क्या कह सकते हैं, कभी इकट्ठे हुए ही नहीं है आज तक। अभी मैं तो ये बोलूंगा, अभी जो अलायंस बना है ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बना है, और इलेक्शन के लिए भी ये इकट्ठे नहीं हो रहे अभी तक। अभी तक दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि हमारे कैंडिडेट कहाँ कितने होंगे, कहाँ होंगे, सारे जिसकी जहाँ डोमिनेंस है ही वॉन्ट्स टू डोमिनेट देयर, कि मैं तो यही लूँगा, मैं तो आपको एक सीट नहीं दूंगा, उसका क्या फ़ायदा। हम और मैं तो ये एक बात मैं कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट आए वो नेशनल पार्टी आए, रीजनल पार्टी ना आए, नेशनल पार्टी आए सर, आप रीजनल पार्टी कोई ना आए, तमाम जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो एक साथ जुटकर कह रहे हैं खिचड़ी, यानी कि कुल मिलाकर कहना है कि खिचड़ी सरकार ना बने, जिसकी भी सरकार आए, जिसकी भी सत्ता आए, कम से कम पूर्ण बहुमत के साथ आए। सर आपका क्या मानना है, किस प्रकार से मौजूदा कार्यकाल को आप, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल होने को आए हैं, लगभग हो गए हैं, 2-3 महीने के बाद इलेक्शन होने हैं, आपको क्या सही लगता है कौन से ऐसे जो नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद पे जो है विराजमान हो सकते हैं या होना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात तो है कि अपोजिशन जो है ना स्ट्रांग होना चाहिए देश में, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होगा तो उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी और सबको उसका फ़ायदा भी मिलेगा, उसकी आवाज़ भी सब सुनी जाएगी, दबाई नहीं जाएगी। जैसे पीछे सेशन में 100 कुछ आदमी सस्पेंड कर दिए गए थे तो वैसा नहीं होगा। बाकी बेरोजगारी और महंगाई के लिए तो सबको पता ही है कि क्या हाल है क्या नहीं है, तो इसको भी काबू में करना बहुत ज़रूरी है। बाकी लीडर जो भी आए अपना वो अपना सही तरीके अपना ईमानदारी से काम करे ताकि कुछ उसको भी दिखे और लोगों को भी पता लगे भी देश में कोई उन्नति हो रही है। विपक्ष मजबूत होने की बात यहाँ कहते हुए तमाम जो बुजुर्ग हैं वो नजर आए हैं कि विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बदलाव की बात यहाँ करते हुए नजर आए कि बदलाव 5 साल में 10 साल में होना चाहिए, अगर बदलाव नहीं होता तो किसी एक देश के राजा में, किसी एक देश के प्रधानमंत्री में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आती है और वो उस अहंकार की भावना से काम करते हैं। कुछ और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी क्या राय है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इनसे भी जानते हैं। सर किस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हैं, क्या लगता है कि 2024 में ये सरकार रिपीट कर पाएगी, क्या इस सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं जो 2024 में आकर गिना सके लोगों के बीच जाके? अभी कुछ नहीं कह सकते जी, अभी कोई माहौल नहीं बना है, माहौल बनने के बाद मेरा पटेगा। कामकाज तो आपने देखे होंगे पिछले 10 साल के, सरकार ने किस प्रकार के कामकाज किए हैं उनको लेकर? कामकाज तो पहले भी ऐसे MLA MP होया करते जो काम ईमानदारी से करे करते, अब भी है भ्रष्ट, अब भी है पहले भी थे, पाक साफ ना अब है ना पहले थे, पाक साफ ना अब है ना पहले थे, ये मानना है इनका। सर आपसे भी जानेंगे किस प्रकार से पूरा कार्यकाल को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल की बात करें या विपक्ष कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उठाना चाहता है नहीं उठा पा रहा, विपक्ष पे कोई प्रेशर है, ये तमाम बातों पर सवाल आपसे करेंगे। उससे पहले 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, किस प्रकार से कामों की अगर तुलना की जाए पूर्व की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो कैसे देखते हैं सर? सरकार के कार्यकाल का बारे में तो भाई ये इससे कि मैंने हम तो भ्रष्टे ला गए बीजेपी, उनसे तो किसान विरोधी सरकार माना हम तो, और पहले हम इसके बड़े समर्थन, हम कांग्रेस के बड़े विरोधी आ रहे, लेकिन जो ही इसके
कारनामे हमारे सामने आए हैं, हमने तो ये अच्छी लगती नहीं। हम बाकी पैसे ठीक से भाई, हमारी बात में कोई सुनता को नहीं, पत्रकार बेके बैठे हैं तो हमने के बेरा भी इस चीज़ का। असली बात तो यह है कि एक मीडिया दिखा कर इन चीज़ें, मीडिया खोज करता है, मीडिया बेके लिए हमारी कौन सुना है। मीडिया बिकली, मीडिया की आरोप लगा रहे हैं, मीडिया ही ये चीज आपको दिखाएगी। हरियाणा न्यूज गारंटी के साथ कह रहा है आपकी ये बाइट दिखेगी और चलाएंगे और आपको इसका लिंक भी भेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं सवाल एक और करूं, राहुल गांधी एक यात्रा लेकर चले हुए हैं पूरे देश में, मोहब्बत की दुकान खोलने की वो बात करते हैं, उस यात्रा से अगर फायदे की बात की जाए तो कितना फायदा आप देखते हैं कि कांग्रेस को हो सकता है? भाई राहुल गांधी को हम पहले कुछ समझ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी बहुत बढ़िया आदमी है। पहले तो हम इसको जानते पप्पू, पप्पू इन मीडिया ने बहुत खर्चा करके इसको पप्पू बनाया है, लेकिन ऐसा है बात नहीं। यो एक एक चीज को ढूंढता है, खेत में जाता है, सबकी में काम करता है, इसके बारीकी से देखा है, ये समझ लिया है नया नया। पहले वाला राहुल नहीं है, हमारी तो ये विचार है। पहले वाला राहुल नहीं है, लगातार तमाम चीजों को जानकारी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। और कुछ एक लोग हैं, आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से और काम होने चाहिए थे देश में जो इस सरकार में नहीं हो पाए, या फिर यूं कह लीजिए विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष को कौन सी ऐसी नाकामियां थी सरकार की जो उजागर करनी थी नहीं कर पाई? देखो जी, स्टेट हाईवे अच्छे बन रहे हैं जी, मेडिकल वगैरह फैसिलिटी बन रही है, पब्लिक ज्यादा है, उसकी वजह से लोड तो ज्यादा है जी। कोई भी गवर्नमेंट रहे इसके लिए काम स्पीड से होने लग रहे हैं, गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। स्टेट हाईवे पर उसने कितने स्टेट हाईवे बना दिए, नेशनल हाईवे बना दिए, ईमानदार आदमी है जी, और मोदी भी ईमानदार है जी। आपके साथ बैठे हैं ईमानदार बता रहे हैं, एक आपके दूसरी तरफ बैठे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को भ्रष्ट बता रहे हैं, आपकी क्या राय है आपके हिसाब से? हमारी तो राय हरियाणा सरकार की तो ऐसा आज ही ठीक है, वैसे बच्चों को तो नौकरी नहीं लगा रही। केंद्र सरकार की अगर केंद्र सरकार तो बड़ा मामला है जी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर पिछले 10 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का आपने देखा है, किस प्रकार से कार्यकाल रहा, क्या कुछ आप चीज चाहते थे कि देश में ये चीज हो और वो नहीं हो पाई? कुछ से काम तो ऐसे हैं जो भलाई के भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो विरोध भी हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो विरोध के हैं और भलाई के? किसान बैठे हैं, कल फिर जान लग रहे हैं, पहले भी बैठे थे, क्या इनकी भी तो मांगे माननी चाहिए, यही सोच है। और भलाई के कौन से काम आपको लगते हैं कि ये काम भलाई के? जैसे रोड हाईवे बना दिए हैं, वैसे सारे फैसिलिटियां तो जितना भी है उसके ज्यादा से ज्यादा दिए, वो तो विकास तो होता ही है साल टू साल विकास होता रहता है। कुछ काम अच्छे किए हैं, कुछ बुरे किए हैं, आपसे भी जानेंगे सर किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल को, या फिर आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर वोट करेंगे? देखो जो सबसे बड़ी मुद्दा तो बेरोजगारी का है जी, खासकर जो रेलवे में पोस्ट निकालते हैं उनको फिर पैसे लेकर उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसे करोड़ों ऐसे मतलब रुपये ठगे गए हैं बच्चों के जो नौकरी के नाम पे, और ये प्रदर्शन करते हैं उनको दिखाते भी नहीं। हाँ, गडकरी इज वेरी गुड पर्सन, ये कहते हैं भाई एक रोड बनने से प्रगति नहीं हुई और काम भी होना चाहिए। एक रोड बन गया इंडिया के अंदर, ठीक से हम कहीं देशों से बेहतर काम कर रहे हैं रोडों में, लेकिन बेरोजगारी तो खत्म नहीं हुई ना। इंडिया गठबंधन को कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन जो बन रहा है किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की कार्यशैली रहेगी उसमें, कांग्रेस किस प्रकार से उसको पार पा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है दावा करती है कि 400 सीट 2024 में जीत करके आएंगे, उसको देखते हुए आपको इंडी गठबंधन का क्या भविष्य लगता है? ऐसा जी, विपक्ष तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जवाब मांगे तो गवर्नमेंट से जवाब मांगे जाता ना कि विपक्ष से, ये विपक्ष से जवाब मांगते हैं। अरे भाई तुम गवर्नमेंट से जवाब मांगो, पीछे क्यों मांगते हो? जो गवर्नमेंट जवाब वो नहीं देते उनके पीछे लगा देते हैं, वो बेचारे डरते बोलते नहीं। सबसे बड़ा इन सुस्ता छोड़ रहा क्या है, ईडी का। ये कहता हूँ एक ईडी का बंदा 20 लाख रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया था, उसको आगे उसको दिखाया नहीं क्या करें उसका। अरे ये जो और नेता हैं उनको बार बार दिखाते रहते हैं, कांग्रेस की कोई भी पदयात्रा थी उसको दिखाते नहीं, ओनली सिर्फ बीजेपी को दिखाते हैं, तो सब दिखाना चाहिए ना जो चल रहा है इंडिया के अंदर। तो मीडिया की गलती है, मीडिया हाँ ये सब दिखाना चाहिए। ये इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 7 में मौजूद हैं, यहाँ यूथ होता है, यूथ की राय जानना बहुत जरूरी है क्योंकि भविष्य जो है देश का
वो यूथ के हाथों में होता है। यूथ क्या सोचता है 2024 के चुनावों को लेकर, उन तमाम लोगों से यहाँ भी बातचीत करेंगे 2024 को लेकर। सबसे पहले पाजी आप हैं, किस प्रकार से देखते हैं 2024 की अगर बात की जाए, 2024 को आप किस प्रकार से देखते हैं? पिछले 10 सालों के कामकाज का अगर जिक्र किया जाए तो उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा काम रहा सेंटर का, बहुत उपलब्धियाँ रही। जैसे कि हम आर्मी को ही ले लें, सेना को अच्छे इक्विपमेंट दिए गए, अच्छे हथियार दिए गए, उनकी अपनी सेफ्टी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप ये देखो ना कि पहले और अब में जो शहीदी की रेशो है बहुत कम हुई है, तो प्राउड फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं। इसके साथ साथ विपक्ष की भूमिका की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को किस प्रकार से देखते हैं? राहुल गांधी तमाम जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में एक यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात वो करते हैं, लगातार सरकारी तंत्र का दुरुपयोग की भी बात वो करते हैं, सरकार के खिलाफ एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। देखो क्या है कि जब एक कारवां चलता है तो कुछ अच्छा करने के लिए अगर कोई दुरुपयोग होता है तो वो बुरा नहीं है। अच्छा करने के लिए दुरुपयोग होता है तो वो बुरा कोई बुरा नहीं है। आप किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे ना, उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी का अच्छा ही हो रहा है। तो जब ये कोई कांग्रेस की या बीजेपी या किसी और पार्टी की बात नहीं है, कोई भी पार्टी जब सत्ता में आती है तो वो कुछ भी करने के लिए थोड़े वो प्रोटोकॉल टूटते हैं तो कोई बुराई नहीं है। कोई प्रोटोकॉल टूटते हैं तो वो बुराई नहीं है। और ये इस प्रकार की जो राय है वो इस मार्केट से निकल करके आ रही है। तमाम जो लोग हैं आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यहाँ भी अनेक ऐसे युवा हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं। किस प्रकार से पूरी मार्केट है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दुकानदार हैं, तमाम जो लोग हैं आप भी देखते हैं पिछले 10 साल में क्या कामकाज हुआ है और उससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने किस प्रकार से क्या काम किया है। जो भी सरकार आती है वो अपनी तरफ से अपना अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है, परंतु मोदी जी सिर्फ पुरानी सरकारों को बदनाम करने के लिए दिन रात कांग्रेस पार्टी को ही गाली देती रहती है और हिंदू मुसलमान देश में करती रहती है, इसी करके उसको वोट मिलता है क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है और मुसलमानों पर अत्याचार होता है। इनकी वोट का आधार ही सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, हिंदू मुसलमान करना है, ये अपनी इनकी अलग राय है। तमाम जो दुकान के साथी हैं इनसे भी जानते हैं, पिछले 10 सालों की बात की जाए तो किस प्रकार से बदलाव देखते हैं? आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव है, किसको वोट देंगे? काम के आधार पे देंगे, चेहरे के आधार पे देंगे, सांसद का चेहरे देखेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? मोदी का रहेंगे जी, मोदी का। हाँ, क्या बदलाव देखते हैं पिछले 10 बहुत साल? बदलाव देखे हुए हैं मोदी जी के, जैसे बहुत विकास किए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे। आगे चलते हैं, कुछ एक और साथी हैं वो उनसे भी बात करेंगे। किस प्रकार से जो है 2024 का पूरा इलेक्शन जो है वो रहने वाला है? देखिए जब तक तमाम जो लोग हैं अपना गुजर बसर करते हैं, आपका नाम सबसे पहले जानना चाहेंगे जी। रतन लाल जी, पंडित जी के नाम से मेरी दुकान जानी जाती है यहाँ पर। ये राम लड्डू की दुकान है, लखनपुर वाले जम्मू कश्मीर से। राम लड्डू का आपने जिक्र किया, राम की चर्चा पूरे देश में है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को आप कैसे देखते हैं? कुछ एक दल, कुछ एक साथी ये भी कहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि राम के नाम पर राजनीति होती है तो सरासर गलत है। अगर हिंदू बाहुल क्षेत्र में, हिंदू हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, एक तरह पहले भी था आज भी है, पर अगर कोई ये सोचे कि मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता 75 सालों में, आज तक किसी ने भी नहीं किया। जो मोदी ने किया वही राम लड्डू, उसी के नाम से हम लोग बेचते हैं, हमारे राम आराध्य हैं। और मोदी में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो सारे राष्ट्र को और राष्ट्र के अलावा विदेशों में भी उसकी चर्चा है, विश्व का महागुरु बनने की पूरी तैयारी है हमारे मोदी जी की और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। विपक्ष तो ये कह रहा है कि सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, बस बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, सब कुछ तो बेच दिया मोदी ने। देखिए साहब, जो धरातल पर दिखाई देता है वो आगे आने वाले 24 के चुनाव में उनको पता चल जाएगा क्या बेच दिया, क्या खरीद लिया, वो तो साफ साफ आ जाएगा। और जो उन्होंने किया है, शायद इतने 75 सालों में कोई भी, इतने प्रधानमंत्री, 13 प्रधानमंत्री हुए, किसी ने भी आज तक नहीं किया है।
और बिल्कुल देखिए, राम लड्डू बेचते हैं, राम मंदिर का कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं, आराध्य जो है वो राम को मानते हैं, और उसी कड़ी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर का निर्माण करवाया है, प्राण प्रतिष्ठा की है, तो तारीफ यहां करते हुए तमाम लोग नजर आते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। 2024 को लेकर हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम चल रहा है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले सीधा सा सवाल कर लेते हैं, आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरे को तो लग रहा है मोदी जी आएंगे। क्या खास बात? मोदी ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जो आप लोगों को पसंद हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जो और कर सकते थे आने वाले समय में, अगर उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए वो कर सकते हैं? गिनाने वाले तो बहुत है जी, पर मैं गिना नहीं सकता, इतने काम किए उन्होंने। अच्छा, और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा बहुत काम करेंगे वो। महंगाई को लेकर भी तमाम लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई तो है जी, महंगाई तो बढ़ी है, जरूर बढ़ी है जी। लोगों की रसोई में बहुत भार पड़ा है, बोझ पड़ा है, लेकिन वो सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इसके बारे में भी। करेंगे, उम्मीद है करेंगे। हाँ जी, जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप वोट डालने जाएंगे तो कैंडिडेट का चेहरा देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही वोट डाले जाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट तमाम जो लोग हैं वो डालते हुए नजर आएंगे। अंकल जी हैं, आप कैसे देखते हैं अंकल, 2024 का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोग तारीफ कर रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? नहीं, हमारी राय तो ये है कि देश का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है बहुत, और डेवलपमेंट हो रही है, प्रधान प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी काम था जी। तो इट इज मोदी ऑल द वे, मोदी ऑल द वे, ठीक है, लेकिन विपक्ष को आप कैसे देखते हैं, विपक्ष की भूमिका अगर पिछले 10 सालों का जिक्र किया जाए तो विपक्ष की अपनी भूमिका ठीक से निभा पा रहा है, तमाम मुद्दों को उठा पा रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष जो राजनीति करता है ना, वो प्रॉब्लम तो बताता है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पर कोई उसका रोड मैप नहीं है उसके पास, बताते तो है नहीं कुछ कि हम क्या करेंगे। एक वो कौन सी ये जाति संख्या का कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी जी, उनको ये अभी अभी नई जागृति आई है कि ये होना चाहिए था, तो विपक्ष ऐसे ही है मतलब। आंटी, आपको क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं, आप महिला हैं, तमाम सब्जियां खरीदती हैं, महंगाई का भी जिक्र होता है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, हर चीज का दाम जो है वो महंगा हो गया, तो कैसे देखते हैं इस सरकार को, पिछले 10 साल के कार्यकाल को? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इवन हमारे तो जो घर में मेड्स हैं काम करती हैं वो भी बहुत खुश हैं कि मोदी जी की सरकार आई है, तो हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब कुछ, उनका ट्रीटमेंट फ्री हो रहा है, तो अच्छा कर रहे हैं। जब आप वोट होंगे, वोट डालने जाएंगे, तो क्या चीज़ सबसे पहले आपके जहन में रहेगी, किसको वोट डाला जाए, क्या सोच करके आप वोट डालेंगे? सोच कर यही है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। तो मोदी के नाम से ही वोट डलेगा या कैंडिडेट का चेहरा भी देखा जाएगा? मोदी जी का नाम तो है, फिर डलेगी तो कैंडिडेट्स भी ठीक है, उनके नीचे अच्छा ही कर रहे हैं सब। तो कहीं ना कहीं जब प्रधान सेवक सही होता है तो तमाम वजीर सही है, उसके साथ ही हो ही जाते हैं। हाँ, उनके साथ, वो तो हेड पे बहुत डिपेंड करता है, जैसे फैमिली में हेड अच्छा हो तो फैमिली अच्छा चलती है, तो देश भी वैसे ही है। कुछ और दुकानदार हैं, इनसे भी बात करेंगे, किस प्रकार से ये पूरे कामकाज को देखते हैं। आपका नाम बताएं सबसे पहले, तो आपका नाम क्या है? सबसे पहला मेरा नाम है अशोक प्रसाद, मैं रहता हूँ चंडीगढ़ मोली जागरा में, काम करते हैं, रेडी फड़ी लगाते हैं पंचकुले सेक्टर 7 में जी। तो सरकार की अगर बात की जाए तो आप वोट देंगे जब 2024 में लोकसभा चुनाव के वोट होने हैं, तो किस आधार पे, क्या चीज देख करके आप वोट देंगे? देखो जी, ऐसा है कि जब से डबल इंजन का सरकार आया है, ठीक है ना जी, तो हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, झारखंड से लेकर के हर जगह काम किया है, झारखंड की ही बात नहीं है, यूपी में भी काम किए हैं और अपना पंचकुले में भी काम हो रहा है, चंडीगढ़ में भी काफी विकास हुआ है, हैं? तो इसलिए करके मोदी जी को ही देना हम जरूरी समझते हैं। कुछ एक और दुकानदार हमारे साथ है, भाई साहब कैसे देखते हैं 2024 के चुनावों को, कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, किसके नाम पर आप वोट देंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। मोदी जी होने चाहिए, क्या कुछ खास लगा आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वैसे ठीक लगा, मतलब कि हमें थोड़ा वो हो रहा है, रेडी वगैरह नहीं लग रही हमारी, ये होनी चाहिए हमारी, मतलब जगह मिलनी चाहिए हमें, जगह मिलनी चाहिए, ये डिमांड है सरकार से, लेकिन बाकी काम ठीक हो रहे हैं सरकार में,
राहुल गांधी को आपने देखा है, सुना है, वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि पूरे देश में नफरत है, हम प्यार की दुकानें खोल रहे हैं, तो उनके लिए कैसे देखते हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसा लगे? ठीक है, सरकार कोई सी हो, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, हाँ जी। काम करने वाली होनी चाहिए। हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसी कार्यक्रम में हमने सर्वे किया है, एक तमाम लोगों की राय जानने की कोशिश की है, तमाम लोगों से पूछने की कोशिश की है कि वो पूर्व की सरकारों की अगर कार्यकाल की बात की जाए या फिर वर्तमान सरकार पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार है उसके कामों की तुलना की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों की तुलना हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बेहतर बताते हुए तमाम लोग नजर आए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2024 में तो तमाम लोग ये कहते हैं कि सरकार कोई भी हो अच्छी होनी चाहिए, काम करने वाली होनी चाहिए, उसी सरकार को हम उसी लोगों को हम वोट देंगे जिनके मन में काम करने की इच्छा हो। कैमरामैन राजेश के साथ पैरवी कालीरमन, हरियाणा न्यूज़, पंचकुला।